सीटू जिला इकाई हमीरपुर ने अखिल भारतीय कमेटी के आह्वान पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन नीति का विरोध करने का निर्णय लिया है। इस सिलसिले में सीटू जिला कमेटी ने भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के विरोध में उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री व भारत सरकार को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन नीति को वापस लेने का आह्वान किया। जिला सीटू पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि यदि जल्द ही मांगों को पूरा न किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे। समय केंद्र सरकार ने जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक पॉलिसी लाई है, इसमें 6 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करने का सरकार का मंशा है। हम उसका विरोध करते हैं CITU की तरफ से। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने नेशनल हाईवेज 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज को प्राइवेटाइज करने का फैसला कर लिया, 400 रेलवे स्टेशनों को और बिजली का जो 5,000 मेगावाट जो बिजली है NHPC की, NTPC की, इसको भी प्राइवेट सेक्टर में देने की बात कर ली है और BSNL और MTNL का भी निजीकरण करने का, एक तरह से उसको बेचने का फैसला कर लिया है। यहाँ तक कि सरकार ने जो है, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, खेल परिसर हैं हमारे देश के अंदर, उनको भी निजी हाथों में देने का फैसला कर लिया है और बंदरगाहें जो हमारे देश की हैं, उसमें 12 बड़ी बंदरगाहें हैं, उसमें से 9 को निजी हाथों में देने का, बेचने का फैसला कर लिया है। और भी हमने देखा कि मुंद्रा एयरपोर्ट जो अदानी का था, जिसमें 3,000 क्विंटल जो हीरोइन है वो पकड़ी गई, वो एक उदाहरण है हमारे सामने। इस तरह से इन बंदरगाहों पर हीरोइन ही नहीं आएगी, ड्रग्स ही नहीं आएंगी, हथियार भी आएंगे जो बाहर हमारे देश की जनता के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। तो हम इसका विरोध करते हैं और ये सरकार जो है इसको कौड़ियों के भाव नीलाम कर रही है प्राइवेट सेक्टर का, इसमें कोई लेना देना नहीं है। एक नया पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया है और जो सरकार का मंत्रालय है जो सड़क और इसको लेकर देखता है सारा, उनका कहना है कि 1 4 लेन जो है, 1 किलोमीटर सड़क 30 करोड़ में बनती है और जो सरकार जिन सड़कों को दे रही है 26,700, 8 लाख करोड़ रुपया तो सिर्फ सड़कों का ही बनता है, सिर्फ सड़कों का ही। सरकार 6 लाख करोड़ रुपया अर्जित करना चाह रही है, इसमें बंदरगाहें, हवाई अड्डे, ये तमाम को बेचना चाह रही है। तो हम इसका विरोध करते हैं। सरकार के पैसे से, जनता के पैसे से बना है और सरकार जो है बड़े उद्योगपतियों के टैक्स माफ़ कर रही है। NPA हो गया 15 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा, उसको रिकवर नहीं कर रही है, लोगों का पैसा है वो। और इसलिए जो है सरकार ने पूरे देश को बिक्री पर लगा दिया है और मोदी सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। ये जनता विरोधी फैसला है, देश विरोधी फैसला है, इसको तुरंत पलटा जाना चाहिए। और CITU पूरे देश में अन्य ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर भी जो है इसका विरोध करेगी और डिफेंस के कारखाने उनको सरकार बेच रही है, जो अंग्रेजों ने भी लगाए थे उसको बेच रही है। तो इसलिए जो है ये सारा फैसला सरकार का जो है जनता विरोधी है, देश विरोधी है और भारत सरकार को इस फैसले को पुनर्विचार करना चाहिए और उसको बदलना चाहिए, तभी जो